ठान रहे कि वो हरी घास जब तक एक महीने की ना हो जाए आप उसे अपने बकरे बकरियों को ना खिलाएं। उसे सबसे बड़ी समस्या होती है हमारी प्रेग्नेंट बकरियों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बकरे बकरियों का बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में कैसे ख्याल रखा जाए, क्योंकि बरसात का ऐसा मौसम होता है जिसमें हम बकरी पालकों को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बारिश के मौसम में हमारे बकरे बकरियों को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती है। एक नॉर्मल जो मौसम होते हैं गर्मी का और ठंड का, अगर उससे कंपेयर करूँ बारिश का मौसम, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतों से भरा होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सावधानियाँ बताऊँगा जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बारिश के मौसम में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिससे कि आपके बकरे बकरियों में किसी तरह की कोई बीमारी भी नहीं आएगी। बारिश के मौसम में हमारे बकरे बकरियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है शेड निर्माण। शेड का निर्माण चाहे आपका कच्चा हो चाहे पक्का हो, और शेड का निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि बारिश का पानी कहीं से भी किसी भी तरह फार्म के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बकरे बकरियों को पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। उसके बाद क्या करते हैं हम कि जो हमारा फ्लोर है वो जो कच्चा हो या पक्का हो वो कभी गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारिश में क्या होता है कि चारों तरफ पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिससे कि हमारे फ्लोर की जो पानी सोखने की क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है, जिससे जब हमारी बकरे और बकरियाँ जो यूरिन करते हैं, जो पेशाब करते हैं, वो ज़मीन ऑब्जर्व नहीं करती, ज़मीन नहीं सोखती है, जिससे कि कई तरह के बैक्टीरिया और जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारी बकरी में जो प्रेग्नेंट बकरियां होती हैं या जो बच्चे दे चुकी होती है उनमें कई तरह की बीमारियां होती है। जैसे एक सबसे बड़ी बीमारी है जिससे हमारे कई किसान भाई जूझ रहे हैं वो है थनेला की बीमारी, और वो होती है फार्म के अंदर गंदगी की वजह से। क्या होता है जब फार्म का फ्लोर गंदा रहता है या फिर गीला हो जाता है, जिसकी वजह से कई तरह के बैक्टीरियाज उत्पन्न होते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो प्रेग्नेंट गोट होती हैं और जो बच्चे दे चुकी हुई गोट होती है उन बकरियों के आंचल में वो बैक्टीरिया चले जाते हैं, जिससे कि थनेला रोग की बीमारी होती है। बारिश का जो मौसम है वो कई जगह पर आ चुका है, हमारे यहाँ भी आ चुका है, तो ऐसे में जो है आपको अपने बकरे बकरियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जो है बारिश के मौसम में ही आती है। मैं जो सावधानियाँ बता रहा हूँ आप उन्हें ध्यान में रखें, जिससे कि कोई भी बीमारी आपके फार्म में ना आ सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा हमारा जो फ्लोर है ये कच्चा है, कच्चे मिट्टी का है, तो क्या होगा कि बारिश में जब पानी चारों तरफ भरा जाएगा तो ये मिट्टी जो है ये भी पानी सोखना बंद कर देगी, जो कि बकरे बकरी का यूरिन जो पेशाब होगा वो भी नहीं सोखेगी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हमारा मिट्टी का फ्लोर है, जैसे कि आप ये पार्टीशन देख रहे हैं, हम इसके किसी भी एक कोने के अंदर क्या करेंगे, कुछ मिट्टी अलग से एक्स्ट्रा, जैसे ऑलरेडी मिट्टी डली हुई है पर कुछ मात्रा में और मिट्टी हम एक कोने में या कहीं फार्म में साइड में हम रख लेंगे अंदर, जिससे कि जब भी फ्लोर कहीं हमें गीला लगेगा तो हम उस सूखी मिट्टी को उठाकर वहां डाल देंगे, जिससे कि किसी तरह का कोई बैक्टीरिया जीवाणु उसके अंदर उत्पन्न नहीं होगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने अपने फार्म में इस तरह से फ्रेश एयर मतलब हवा के आने जाने के लिए जाली लगा रखी होगी, जिन्होंने पक्के फार्म बना रखे हैं उन्होंने इस तरह की जाली भी लगा रखी होगी, तो ध्यान रहे कि बारिश से पहले इस तरह के जो कर्टन जो पर्दे होते हैं इनकी व्यवस्था कर लें, जिससे कि बारिश का पानी जाली से अंदर ना जाए। तो आप अपने फार्म में कुछ ऐसी व्यवस्था बना कर रखें जिससे कि कहीं से भी किसी भी माध्यम से बारिश का पानी अंदर ना आ पाए। बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा तो हमारा फार्म गीला नहीं होगा, इससे कि बीमारियां नहीं आएंगी। ये आप सभी लोग जानते हैं जब बारिश का मौसम आता है तो हमारे आसपास के जो जंगल एरिया होता है, जो खेत होते हैं, उनमें बहुत सारी हरी घास उग जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि वो हरी घास जब तक एक महीने की ना हो जाए आप उसे अपने बकरे बकरियों को ना खिलाएं, क्योंकि बकरों को तो समस्या नहीं होती उस घास से, लेकिन बकरियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि क्या होता है कुछ किसान भाई हमारे जो बकरियों को चराई पर रखे हुए हैं जंगल चराने ले जाते हैं, या कुछ किसान भाई जंगल से चारा काटकर अपने खेतों से चारा काटकर लाकर अपने फार्म में अपनी बकरियों को खिलाते हैं, उसे सबसे बड़ी समस्या होती है हमारी प्रेग्नेंट बकरियों को। जो हमारी प्रेग्नेंट बकरियाँ होती हैं उनका अबोशन, उनका गर्भपात होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो जो हरी घास होती है उसके अंदर कई तरह के जीवाणु और बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारी बकरी प्रेग्नेंट होती है उस चारे की वजह से उसका बच्चा समय से पहले आ जाता है, जो जिसे कि हम अबोशन या गर्भपात बोलते हैं। तो ध्यान रखें कि जब आप जंगल में चराई के लिए अपनी बकरियों को ले जाएं तो एक महीने से पहले जो हरा चारा उगा है उसे ना खिलाएं, जिससे कि आपको नुकसान ना उठाना पड़े। उसके बाद हम बात करें ड्राई फोडर की, जो सूखा चारा ड्राई फोडर जो हमने स्टोरेज करके रखा है उसे व्यवस्थित तरीके से स्टोरेज करें। ध्यान रखें कि उसके अंदर बारिश का पानी ना लगे। जो आप सूखा चारा या ड्राई फोडर भूसा रखा हुआ है अगर उसमें पानी लग जाता है तो
उसके अंदर फफूंद जम जाती है, और अच्छे भूसे के साथ वो फफूंद वाला भूसा अगर मिलकर आपके बकरे बकरियों के पास आ जाता है और आपके बकरा बकरी खा लेते हैं, तो बकरे बकरियों के पेट में जाकर वो पॉइजन बन जाता है, उसके शरीर में जहर फैला देता है, जिससे कि हमारे बकरे बकरियों की मृत्यु भी हो सकती है। तो आपको ड्राई फोडर जो अपना सूखा चारा है उसका भंडारण का खास ध्यान रखना है बारिश में, कि उसमें पानी ना लगे। जैसा आपको फ्लोर का बताया, जो सावधानियां मैंने आपको इस वीडियो में बताई है उनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके फार्म में बारिश के मौसम में किसी भी तरह की कोई बीमारी कोई समस्या नहीं आएगी। ये कुछ सावधानियां हैं और कुछ मेरे इसके अंदर सुझाव हैं वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बकरी पालन से जुड़ी जानकारी समय से आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।